आप सभी को नमस्कार। तो साथियों, आप एक न्यूज़ कंटिन्यू सुन रहे होंगे कि आईएएस की जो वैकेंसी होती है उसमें भी दोस्तों धांधली देखने को मिली है। आपने नाम सुना होगा पूजा खेडकर की, जो कि ट्रेनिंग के दौरान पकड़ी गई है और फर्जीवाड़े तरीके से सेलेक्ट हुई है। तो आप अगर सोचिए अपने दिमाग से जरा कि अगर आईएएस के एग्जाम में भी इतनी बड़ी धांधली हो सकती है तो अदर एग्जाम के क्या हालात होंगे। आप देखते हैं कि नीट का पेपर लगातार कैंसिल हो रहे हैं, सामने आ रहे हैं, चाहे वो पुलिस का पेपर हो, चाहे यूपी टेट सी टेट का पेपर हो, भी परीक्षाएं आपके सामने आती है। और ये तो इतने स्तर पर सामने आती है कि आप सोचते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ जगह तक सीमित रही होगी। तो देखिए हालात कैसे हैं। अगर आईएएस तक के एग्जाम पर ये सवाल उठ रहे हैं तो आप देखिए कि आज के समय में क्या नौकरी लेना, या आप विश्वास कर सकते हैं कि कोई भी भ्रष्टाचार नहीं है सरकारी नौकरी में, तो आप अपनी क्या राय रख सकते हैं। बस ये वीडियो मैं आपके लिए इतना ही इतनी इसी बात के लिए लेकर आया हूँ कि आपकी राय क्या है, आप क्या सोच रखते हैं। मेरी सोच से अकॉर्डिंग तो दोस्तों मुझे नहीं लगता कि आज के समय में धांधली नहीं है, या तो नॉर्मलेशन के ऊपर धांधली होती है एग्जाम में आजकल, या फिर आप देखते हैं पेपर लीक होता है, या दोस्तों सिस्टम हैंग होते हैं। पता नहीं कितने अनेकों तरीके हैं जो हमें पता भी नहीं है, और आप और हम ऐसे ही सोचते रहते हैं कि बस पढ़ते रहिए पढ़ते रहेंगे, और ये सोचते हैं कि एग्जाम आता है कि हमारी मेहनत में कहीं ना कहीं कमी रही है, तो आगे फिर और मेहनत करते हैं। लेकिन बार बार जब असफलता मिलती है तो उसका कारण ये सामने बहुत बड़ा कारण है कि इतनी वे कट ऑफ जा रही है आजकल पेपर्स की, उसका सिर्फ और सिर्फ यही कारण है कि धांधली और गड़बड़ी हर एग्जाम में देखने को मिल रही है। लगातार ये चीजें सामने आ रही है लेकिन कोई बोलने को तैयार नहीं है। बस आप अपनी क्या राय रखते हैं सभी आप कमेंट करके बताना मेरे दोस्तों, और इस वीडियो को लाइक कर देना, और इस परिवार को सभी सब्सक्राइब कर लेना। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।